जब इनका गाना ऑफर हुआ, मैंने गाना सुना, मैंने कहा ये गाना तो सुपर हिट है। पंजाबी वीडियो में लड़की खूबसूरत दिखनी चाहिए। अगर कोई लड़की बहुत वर्कआउट करती है और उसकी बॉडी अच्छी है तो फैंस को भी अच्छा लगता है और सब लोग भी खुश रहते हैं और फॉलोअर्स भी बढ़ जाते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Hey guys, welcome to Bollywood Bubble. My name is Rohan और ये जो दो good looking लोग हैं, जे तो है जस्सी गिल और जे जो है ये है रिया चक्रवर्ती, जिनसे हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि आपका जे फैक्टर क्या है। लास्ट ईयर आप जलेबी में आई थी, अब आप जस्सी बाजी के साथ आई, तो ये जे क्या चक्कर है ये बताओ। क्या बात है, आप क्या क्या पकड़ लेते हो, मतलब इंटरेस्टिंग थॉट है। जे फैक्टर जे है कि अपना सॉन्ग जो है बहुत कमाल का सॉन्ग है और जिस सॉन्ग सुनने के बाद मैंने जस्सी को बोला कि जे सॉन्ग में जे मुझे ही लेना, क्या जे सॉन्ग मुझे करना है, जे सॉन्ग में जे मुझे ही लेना, जे बात हुई। अच्छा ये बताओ, ये सुरमा अच्छा लगाती है इसलिए इनको लिया या कोई और रीजन था इनको सॉन्ग में लेने का? आपने अभी इतनी तारीफ की, आपने सब तो है ही तारीफ के काबिल ना। पंजाबी वीडियो में हाँ जी लड़की खूबसूरत दिखनी चाहिए, तो ये बताइए सूरमा कला आपसे शुरू करते हैं, जैसे भाई ये बताओ ये गाना क्या, मतलब व्हाट वाज द इंस्पिरेशन, कैसे बन गया ये गाना? ये गाना निकलेकरण के बाद आना था, ये निकलेकरण के बाद मैंने बनाया था, तो वो गाना अच्छा इतना हो गया कि मुझे फिर वेट करनी पड़ी थोड़ी, मेरे थोड़ा कंफ्यूज था कौन सा गाना रिलीज करूँ कौन सा करूँ, तो फिर इसकी मेलोडी मुझे बहुत अच्छी लगती थी ये गाने की, जो मुझे लगता है कि जो कैची है थोड़ी, और जो सोच के मैंने सोचा कि ये गाना करना चाहिए, और फिर जब मैं टी सीरीज़ के पास ये गाना लेके आया और ये गाना बताया तो फिर हमने प्लान किया कि वीडियो करनी है इसकी, और वीडियो में हम चाहते हैं कि बॉलीवुड एक्ट्रेस लें, और एक दो ऑप्शंस थी हमारे पास, उन्होंने मुझे बताया, मैंने बोला रिया ठीक है। पहली बात तो ये बताओ, जब अप्रोच किया गया, डिड यू लाइक काइंड ऑफ यू हैड हर्ड हिज म्यूजिक? I knew him. I knew of him. We had met once or twice at his film screening. I'd seen his work. I thought he was really good looking. Then I got to know he's a singer also, actor also. I was like, "Arey, arey, ye." So when his song offered, I heard the song. I said, "This song is so super hit." And I wanted to do something. I thought it was very interesting to do something out of the box and different from the regular stuff that I do. And I was like, "A Punjabi music video with Jassie is fab." So yeah, it was a no-brainer. एंड शूटिंग के कुछ मजेदार चीजें, हमने सुना आप लोग बड़े सिंसियर थे, डेडिकेटेड थे, टाइम पे आते थे, अच्छे से, कोई गॉसिप वॉसिप नहीं करते, तो कुछ तो मजेदार किया होगा। टाइम ही नहीं था अपने पास, मेन चीज कट टू कट टाइम बिल्कुल नहीं था, मतलब ऐसा टाइम है ही नहीं था कि हम बैठ के ऐसी बातें करें, किसी की बात करें, या खाने का टाइम ही नहीं था, शूट करते करते खाया, मैं तो शूट करते करते खाया, तो दो दिन हमें शूट करना था और पहले दिन हम थोड़ा दूर थी लोकेशन, तो हम लेट हो गए पहुँचते, तो थोड़ा टाइम कम था, नेक्स्ट डे भी ऐसा था कि जल्दी जल्दी ख़त्म करना है, तो इतना कुछ हुआ नहीं, बट हाँ जितना हमने शूट किया उसमें शूटिंग के जो जो आप देख सकते हो वो जो हमने किया, मतलब वो आप सबने देखा, वो ऐसे है काम। नेक्स्ट आप अब पंगा ले रहे हो विद कंगना रनावत जी, लिटरल है कि नहीं, पर फिगरेटिव तो फिलहाल है, व्हाट्स द प्रोग्रेस ऑन द फिल्म, कहाँ पे है, कब आ रही है, कैसा चल रहा है, क्या प्रिपरेशंस हैं? शूट चल रहा है अभी तो, नेक्स्ट ईयर रिलीज होगी जैन में, और अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा मजा आ रहा है शूट करने में, इतना ही बता सकता हूँ। कंगना जितनी आउटस्पोकन है सेट पे थी वो बिल्कुल वैसी रहती हैं? हाँ वो अच्छी, कंगना के साथ, कंगना खुद चंडीगढ़ पढ़ी हैं और हमारा, मैं चंडीगढ़ से हूँ तो हमारे पास बातें करने के लिए बहुत होती है, हम अपना खाने पीने की बातें भी करते हैं, वहाँ के गोलगप्पे, वहाँ का ये दिल्ली से अभी दिल्ली शूट कर रहे थे, क्या बात, तो गोलगप्पा को पुचका भी बोलते हैं, पानी पूरी भी बोलते हैं, बट मैं तो गोलगप्पा बोलता हूँ, पंजाब में पानी पूरी गोलगप्पा, उसका बता रहा हूँ, बट ऐसी हमारी बातें ऐसी होती है, खाने पीने भी बातें होती रहती हैं, और वैसे भी सीन में हाँ मोस्टली हम ज़्यादा, क्योंकि ये होता है कि सेट भी मिलते हैं जाके, और उन्होंने मैंने पूछा था उनको कि आप जब फ्री हो तो क्या करते हो, मैं रीडिंग करती हूँ, मतलब वो जब भी फ्री होते जाके फिर बुक्स पढ़ना शुरू करती हूँ, मैं जितना टाइम रहता हूँ सेट पे उतना टाइम हमारी बात हुई, और उतने में क्या होता है यही खाने पीने की चीज़ें, सीन के बारे में डिस्कशन कर ली, या फिर हमने कर ली कि चंडीगढ़ में क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है। रिया मुझे बात बताओ, जलेबी लास्ट ईयर केम आउट, इट डिडंट रियली गेट द काइंड ऑफ सक्सेस एंड इट प्रॉपर्ली इट डिजर्व, राइट, टू बिगिन विद व्हाट डू यू हैव टू से ऑन इट, बिकॉज़ अब यू नो इट्स कम ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म, करेक्ट, एवरीबॉडी इज काइंड ऑफ लविंग द फिल्म, म्यूजिक तो कहता अच्छा था बैक इन द डे आल्सो, तो व्हाट डू यू हैव टू से देयर?
You know, I honestly feel like because of OTT coming in such a big way, there's become a very selected number of people that go to the theatres and actually watch films, especially in big cities. So unless the film is a very typically commercial film with a typically commercially viable star, as they call it, it kind of gets hard for a film to see the numbers that earlier a smaller film could have seen. Because today you're getting free content, you're getting cheap content, yet good content on all these amazing platforms. So as much as it has probably hampered people's going to the theatres, what it's also done is making sure that people watch everything. So you get more watched, and I think as an artist, that's more important to me, that people watch my work rather than a film just making money. Yeah, if a film makes money, that's great. Don't get me wrong, I suppose I'd love that. But at the same time, I think as long as people watch your work and they enjoy it, and that just makes us happy. Like, we really suckers for appreciation and love as artists. Like, we want people to tell us we're good all the time. Acha, mujhe baat batao, do you think that critics are a little harsh with respect to the film? यार उनका जजमेंट है, मैं उनके बारे में कैसे बोल सकती हूँ? मुझे तो हाश ही लगेगा मेरे बारे में बुरा लिखोगे तो. मैं तो आल तो ऑल्सो नॉट लाइक यू एज अ पर्सन ना, बट वो आपका है डिसीजन और आपको जैसा लग रहा है आप फील करते रहो. जैसी बात आपसे मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, ऐसा माना जाता है कि दिलजीत पाजी आपके अलावा वो भी सिंगर है, एक्टर है, मतलब एक तो मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि कहीं आप दोनों पिछले जन्म में बिछड़ तो नहीं गए थे, इतने मल्टी टैलेंटेड बंदे. एंड राइट नाउ ही इज यू नो काइंड ऑफ क्रेडिटेड कि उन्होंने जितने पंजाबी एक्टर्स हैं खास करके उनके लिए दरवाजे खोल दिए हुए थे, यू नो उड़ता पंजाब इन एवरीथिंग. आपको ऐसा लगता है? ऐसा है, मैं तो हर इंटरव्यू में बताता हूँ कि है सही, क्योंकि उन वो उड़ता पंजाब में आए, उसके बाद उनका काम देखा गया और फिर पता चला यहाँ की इंडस्ट्री को कि वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग काम करने वाले हैं, वहाँ पे बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं. और इस चीज़ से एग्री करता हूँ. मुझे एक बात बताइए, हैशटैग क्यूब नो मोर एक्सट्रीमली पॉपुलर ऑन सोशल मीडिया अगेन, तो आपको कभी कभी ऐसा नहीं लगता दैट यू माइट जस्ट बिकम द गर्ल हुज फ्रॉम बीइंग क्यूट हैज गॉन टू से अ गर्ल हुज डूइंग ऑल द हॉट फोटोशूट्स, तो एक्टिंग वाला जो मामला है वो कंसिडर नहीं होगा, ऐसा लगता है? नहीं, वो तो मेरी पिक्चरों में देखेंगे ना. इंस्टाग्राम इज अ विजुअल प्लेटफॉर्म, उसमें आपको ऐसी चीज देखनी है जो आपको इंटरेस्टिंग लगे. और अगर कोई लड़की बहुत वर्कआउट करती है और उसकी बॉडी अच्छी है, तो अगर वो अपनी फोटो डालना चाहे जिसमें उसकी बॉडी थोड़ी ज्यादा दिख रही है, तो फैंस को भी अच्छा लगता है और सब लोग भी खुश रहते हैं और फॉलोअर्स भी बढ़ जाते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन मैं ऐसा या वैसा कुछ सोचती नहीं हूँ. जो अगर मुझे अपनी फोटो अच्छी लगती है तो मैं उसको डाल देती हूँ कि लाइक्स मिलेंगी और लोगों को पसंद आएगी. इसमें कोई गेम प्लान एज सच है नहीं है. और एक्टिंग देखनी है तो वो मेरी पिक्चर ही जाके देख सकते हैं थिएटर में आइडियली, लेकिन नहीं तो अमेज़न पे देख लो चलेगा. थैंक यू सो मच फॉर ऑल. थैंक यू.